हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। आज हम बात करेंगे विदाउट आयल्स आपके पास कौन कौन सी कंट्रीज है यहाँ पर आप बिना आयल्स के जा सकते हैं। तो बिना आयल्स पे अगर कंट्रीज की बात करें, सबसे पहले आता है यूके। अगर आपने 12th में इंग्लिश में 70% मार्क्स है और आपने 2019 या 2020 में अगर आपने 12th करी है तो आप विदाउट आयल्स भी यूके जा सकते हैं। या अगर आपने ग्रेजुएशन करी है 19 या 20 में और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो इंग्लिश मीडियम में है, तब भी आप एलिजिबल हो विदाउट आयल्स यूके जाने के लिए। इसमें सिर्फ आपको एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेके देना पड़ेगा आपके इंस्टीट्यूट से जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन ली है कि आपने जो स्टडी की है वो इंग्लिश मीडियम में करी है। उसको हम MOI बोलते हैं। आप MOI ले लीजिए तो आपको आयल्स का वेवर मिल जाता है यूके में। यूके में मोस्टली जो इंटरव्यूज हैं वो 20-30% स्टूडेंट्स की इंटरव्यू आती है बेसिक की। 70-80% स्टूडेंट्स को विदाउट इंटरव्यू ही वीज़ा मिल जाता है। तो जैसे कि यूके आपको ऑप्शन देता है कि प्रायोरिटी सर्विसेज में आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो 5 वर्किंग डेज में ही आपका पासपोर्ट स्टैम्प होके आ जाता है। और उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है USA। USA को हमने सेकेंड नंबर पर क्यों रखा है, क्योंकि USA में 100% इंटरव्यू आती है। यहाँ भी आपने अगर 12th या ग्रेजुएशन अगर आपने इंग्लिश मीडियम में करी है तो आप विदाउट आयल्स भी जा सकते हो। आपके सिर्फ प्लस टू या ग्रेजुएशन में 60% के अराउंड अगर मार्क्स हैं तो आप विदाउट आयल्स जा सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है शेंगेन कंट्रीज। शेंगेन कंट्रीज क्या है, ये 26 कंट्रीज हैं शेंगेन में आती हैं। अगर आपके पास एक का भी वीज़ा है तो आप बाकी कंट्रीज में भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर मान लो एक का वीज़ा है तो बाकी 25 कंट्रीज में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इनमें हम करते हैं माल्टा, लातविया, पोलैंड। अगर इन कंट्रीज में भी आप जाना चाहते हैं, यहाँ भी आप विदाउट आयल्स जा सकते हैं। अगेन अगर आपके 50% मिनिमम मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं माल्टा, लातविया, पोलैंड के लिए। तो अब बात करता हूँ कि विदाउट आयल्स मैं कह रहा हूँ बट विदाउट इंग्लिश नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, आपको इंग्लिश तो आनी ही चाहिए क्योंकि आपने वहाँ जाके स्टडी भी इंग्लिश में करनी है और वहाँ की जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश रहेगी। तो आपको थोड़ा इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। अगर आपने आयल्स नहीं करी तो भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि USA में तो 100% इंटरव्यू आनी ही आनी है, आपको इंटरव्यू के लिए करनी पड़ेगी। हालांकि हम आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करवाते हैं। तो ये सारी कंट्रीज थी जो विदाउट आयल्स हैं, जहां पर आप जाके अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेल्स ओवरसीज। विजिट अस और कॉल अस फॉर वीजा सर्विसेज। फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स फॉर लेटेस्ट ऑफर्स एंड अपडेट्स।